रघुनाथपुर गांव के पास बैगनार व ऑटो में भिड़ंत। ऑटो में सवार कुल 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। वाराणसी जनपद के शिवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के वाराणसी भदोही मार्ग पर स्थित रघुनाथपुर गांव के पास मंगलवार को तेज रफ्तार से जा रही बैगनार कार ने पीछे से ऑटो में जोरदार टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराई। वही ऑटो सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी, जहाँ ऑटो में सवार 4 महिलाएं तथा ऑटो चालक समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। ऑटो चालक मोतीलाल गुप्ता दत्तीपुर से सवारी लेकर ककरामा जा रहा था कि अचानक पीछे से जा रही बैगनार कार ऑटो में जा भिड़ी, जिससे लोग घायल होकर कराने लगे। घायलों में गंगा देवी, कबूतरा देवी तथा मुन्नी देवी, सरिता देवी निवासी दत्तीपुर, चालक मोतीलाल निवासी लच्छापुर थाना चौरी जनपद भदोही के निवासी बताए गए हैं। वही ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची कपसेठी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवापुरी भेजते हुए घायलों को घर वालों को इस घटना की जानकारी दी। वही पुलिस बैगनार को कब्जे में लेते हुए चालक अब्बू शर्मा को हिरासत में ले लिया। वही कार चालक इलाहाबाद से वाराणसी जा रहा था। परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेश कुमार, ग्राम रघुनाथ, आप यहाँ के कहाँ के रहने वाले? ग्राम रघुनाथपुर पोस्ट कपसेठी जिला वाराणसी निवासी है। जी, अभी भी घटना हुई है यहाँ पे, कैसे क्या हुई है? अभी अभी हम लोग यहाँ एक दुकान है बैठे थे और भदोही के तरफ से एक ऑटो जा रही थी, उसमें 5-6 महिलाएं सवार थीं और पीछे से वैगनार कार आई और उसको टक्कर, भारी टक्कर मारी, जिससे कोई गड्ढे में पलट गई। और कितने लोग घायल हैं लगभग? इसमें करीब 5 लोग घायल हैं, 5 महिलाएं घायल हैं, जिसमें एक डिलीवरी के लिए महिला जा रही थी और उसको कहाँ ले गए, कैसे ले गए? वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए हैं गुराई में। और किसी को पुलिस के लिए सूचना दिया? हाँ, पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना दिया। पुलिस तो आ गई लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे बाद भी नहीं आ पाई, तो पुलिस वाले प्राइवेट वाहन से इनको ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किए। परिजन भी आए थे? परिजन भी आए हैं और सबको लेके गई है पुलिस। अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? अभी नहीं, सब सीरियस हैं। सब घायल? हाँ, घायल ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं।